आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है हमारे नए ब्लॉग में। तो देखिए अभी रात का डिनर बना रहे हैं, आज थोड़ा जल्दी बना रही हूँ क्योंकि आज बहुत गर्मी लग रही है ना, इसीलिए। तो अभी बज रहा है टाइम 7 और मैं खाना की तैयारी कर रही हूँ। तो वीडियो पर ब्लॉग पर बने रही है, आज मैं लेट से ब्लॉगिंग कर रही हूँ। फटाफट से पहले हम आज बनाएंगे आलू सोयाबीन का सब्जी, दाल भात रोटी। तो आइए, इधर मैंने आलू बॉइल कर लिया है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैं आलू पहले ही बॉईल कर ली थी और ये चावल है ना, ये उष्णा चावल है। तो हमारे मतलब मम्मी के पापा जी वो लोग नहीं खाते हैं ये सब चावल, तो उष्णा चावल उनके लिए बनता है, बाकी सब लोगों के लिए दूसरा चावल राजा चावल बनता है। तो यहाँ पे दो बार चावल बनाना पड़ता है। तो ये चावल को मैं पहले खाली कर दी क्योंकि ये कम है ना, तो इसीलिए अभी फिर इसमें मैं चावल बनाऊँगी दूसरा जो सबके लिए। यहाँ पर देखिए वही मैं अभी खाली कर रही हूँ ये कुकर में से निकाल के, और उधर मैंने आलू बॉईल कर लिया था, अब बस दाल चावल बैठाऊँगी। और इधर सब्जी की भी तैयारी करनी है, तो सब्जी के लिए आलू तो मैंने पहले ही बॉईल कर लिया है और सोयाबीन को उधर भुगो के रख दिया था। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं चावल धो लेती हूँ, चावल धो के उसके बाद चढ़ा लेती हूँ, उसके बाद बाकी का काम करूँगी। देखिए और कई मतलब ना डेली ब्लॉगिंग करने का मतलब मेरा समय ही नहीं मिलता है, टाइम तो मतलब क्या ही बताएं, ब्लॉगिंग जितना वीडियो बनाने में टाइम नहीं लगता है ना, उतना टाइम आपको एडिटिंग करने में ये सब करने में ही मतलब ज़्यादा टाइम लग जाता है। और यहाँ पर देखिए मेरे बच्चे लोग ना मुझे इतना परेशान कर रहे हैं, क्या ही बताएं। छोटी वाली तो मेरी बाहर है, मेरे हस्बैंड लेकर उधर बाहर ही है, और ये मेरी ये दोनों बच्चे ना किचन में आके मेरे पास छुप छुप के खेल रहे हैं और इतना मतलब गुस्सा दिला दी है ना मुझे, क्या ही बताएं। तो यहाँ पर देखिए मेरी बेटी ने एकदम गुस्सा दिला कर रख दी है, खाना बनाते समय ये लोग की लड़ाई शुरू हो गया है। तो अभी मैं चली गई रूम में और ये लेकर आई हूँ मैं दाल। तो दुकान से हमारा दाल आता, दाल सब्जी सब जो भी होता है ना सब दुकान से ही लाते हैं, तो कम कम लेके आते हैं क्योंकि ज़्यादा लेकर आखिर रोज़ ही बनाना है, तो हम लोग दुकान ही है तो उसी में से लेकर आते हैं, बनाने भर ही लेकर आते हैं, ज़्यादा नहीं लेकर आते। ज़्यादा लेकर आकर ना हम लोग कई बार ऐसा हुआ है ना कि डब्बे में रख देते हैं, कीड़े वड़े लग जाते हैं, इसीलिए बस जितना बनाना होता है उतना लेकर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो दिन के लिए मतलब लेके आ जाते हैं, दो दिन तीन दिन ऐसा। ये देखिए मेरे बच्चे लोग एकदम मतलब घर में ना एकदम हल्ला मचा कर रख दिए, क्या ही बताएं, उन लोगों की वजह से मैं परेशान हो गई हूँ। और यहाँ पर देखिए ये चावल मैंने धोए थे ना, वो पानी पहले बाहर फेंक के आके फिर कढ़ाई धो के लेकर आऊँगी क्योंकि सब्जी भी बनाना है ना इसीलिए। तो यहाँ पर मैं कढ़ाई लेकर आ गई हूँ धो करके, और इधर मैंने चावल और दाल दोनों बैठा दिया है। और अब मैं ये जो सोयाबीन को मैंने जो फूलने के लिए रखा था ना, इसको चिप चिप के पानी इसका चिप के निकाल के, और इसको फ्राई भी करना है ना, तो ये सब मैं अभी यही कर रही हूँ। देखिए और ये है हमारा किचन, मतलब किचन ये जो वाइट वाइट से दिख रहा है ना, तो ये मतलब ना कलर है, जो कलर पहले वाइट कलर हुआ था उसके बाद ये वाला कलर हुआ था। तो ये जो गर्म से ना सीटी वगैरह लगता है तो एकदम कलर सब फूल फूल के पपड़ी के जैसे निकल गया है, इसीलिए अजीब सा दिख रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मुझे भी ठीक नहीं लगता है वीडियो बनाते समय ना ऐसा दिखता है ना, तो अजीब ही लगता है, पर क्या ही करें। तो देखिए और अभी तो हमारा घर बन ही रहा है, नया वाला घर बन रहा है, बन जाएगा तो ब्लॉगिंग दिखाएंगे, वीडियो दिखाएंगे। अभी तक तो मैं वहाँ कितने दिनों से गई नहीं हूँ, बेबी हुई है उसके दो बार, उसके बाद से दो बार ही गई हूँ वहाँ पर, जाने का भी मन नहीं करता है, उतना दूर है ना इसीलिए। तो मैंने बोला एक ही बार बन जाएगा, उसके बाद ही ब्लॉगिंग करूँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए आलू भी जो गर्म मैंने बॉईल किया था ना, वही छील रही हूँ, उसको ठंडे पानी में रख दिया था, गर्म था ना, तो इसीलिए। तो
यहाँ पर फटाफट से मैं आलू वगैरह छील रही थी, जब तक ये सीटी लग जाएगा दोनों में से कुछ भी तो जल्दी हो जाएगा ना, चावल या दाल तो सीटी लग जाएगा, उसके बाद में सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पर सब सब्ज़ी की सब तैयारी कर लेती हूँ, मसाला वसाला सब मैंने पीस के रख लिया है, बस यही आलू वगैरह ये सब फिर तो छील छाल के रख ले रही हूँ। इधर गैस खाली होगा तो बस चूल्हा पर, मतलब चूल्हा खाली होगा तो अभी कढ़ाई बैठाऊँगी ना। देखिए सब्जी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, कढ़ाई बैठा दिया है मैंने चूल्हे पर, और अब मैं जा रही हूँ बाहर, कुछ शायद भूल गई हूँ तो वही लाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, और ये इसमें जो पानी था ना उसे ही फेंकने गई थी, तो यहाँ पर देखिए ये सब्जी, इससे पहले सोयाबीन को भून लेंगे उसके बाद ही सब्जी बनाएंगे ना। तो यहाँ पर देखिए मेरे बच्चे लोग इतने मतलब मुझे परेशान कर दे रहे हैं ना कि क्या ही बताएं। जो मैंने सोयाबीन भून के रखा हुआ है ना तो वही वो लोग खा रहे हैं, नमक डाल के ही मैंने वो किया था, फ्राई किया था तो वही खा रहे हैं। यहाँ पर मैं फटाफट से दो रोटी के लिए आटा सान दे रही हूँ, ज़्यादा कोई रात को तो हम लोग के घर पर कोई रोटी खाता है नहीं, बस हम लोग बाबा जी वही एक एक रोटी खाएँगे, तो बस दो रोटी के लिए आटा सान ले रही हूँ। और यहाँ पर देखिए, और ये मैं सोयाबीन भूज के रखी हूँ ना, मेरे बच्चे लोग आके मांग मांग के लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सब्जी में मैंने मसाला वगैरह वो सब डाल उल दिया है, अभी टमाटर डाला है और मैं चली गई अपने रूम में। बस मैं ना ऐसे घूमते फिरते ही बना लेती हूँ फटाफट से। तो ये देखिए मेरी बेटी गई है दुकान, बोल रही है अंडा लाऊँगी, मैंने बोला ठीक है लाना तो मेरे लिए भी लेके आना, तो आज अंडा बॉईल खाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आज अंडा का सब्ज़ी ही बनाने वाले थे बाकी, लेकिन ना सब लोग नहीं खाएंगे क्योंकि इतना गर्मी है ना कि क्या ही बताएं। तो सब लोग बोल रहे, कोई बोल रहे खाएंगे, कोई बोल रहे नहीं खाएंगे, और मेरा मन था खाने के लिए पर मैं, अब सब लोग बोल रहे तो मैं क्या ही बोलूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरी बेटी कितना, तीन अंडा लेकर आई है तो एक वो खाएगी, एक मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा तो बॉयल खाता ही नहीं है, वो अगर खाएगा तो लेकर आएगा, तो उसको बस ऑमलेट बनाकर ही देना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, तो इसीलिए मैं भी नहीं लाई, मैं बोली छोड़ो अब कोई नहीं खाएगा तो मैं क्या ही खाऊँ, तो पर मेरी बेटी बोली कि मैं लेकर आ रही हूँ, तो मैंने बोला जाओ लेकर आ रही तो मेरे लिए भी लेकर आना। तो यहाँ पर लेकर आ गई है, और मैं ना ये दाल ना फिर से दोबारा से चढ़ा दी हूँ क्योंकि ये पूरा गला नहीं था, अरहर का दाल है ना सिर्फ, तो इसीलिए गला नहीं था पूरा अच्छे तरीके से, तो इसीलिए मैंने दोबारा मैंने सीटी लगाने के लिए बैठा दिया है। तो यहाँ पर देखिए सब्जी बस मसाला भूज के होने वाला है, पानी वगैरह डालना है। तो यहाँ पर देखिए सब्जी हो गया तैयार, और ये रहा सब्जी। तो और हम लोग अब खाने चले हैं, अभी बज गया रात के 10, और अब हम लोग खाएंगे। और पूरा ब्लॉगिंग देखने के लिए थैंक यू सो मच, जो लोग पूरा ब्लॉगिंग देखे हैं प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए, बाय बाय।